बारिश की, दिल्ली एनसीआर में बारिश का सिलसिला जारी है। आपको बता दें दिल्ली में मूसलाधार बारिश से जलभराव देखने को मिला, लगातार बारिश से जगह जगह जलभराव हो गया है। जलभराव से सड़कों पर जाम लग गया है। हरियाणा के 8 जिलों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें 8 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है हरियाणा में, और दिल्ली एनसीआर में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, जिसके चलते लोगों को दिल्ली एनसीआर में जलभराव की समस्या हो रही है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें वही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली की, जहां पे अशोक रोड का नॉट प्लेस और भीकाजी प्लेस की तस्वीरें दिखा रहे हैं। वहीं पांचवी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं शांति पथ की, और वहीं छठी तस्वीर आपको जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन की है, जहां पे जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। कनॉट प्लेस में आप देख सकते हैं रेंग रेंग कर गाड़ियां चलती हुई नजर आ रही हैं। थोड़ी सी बारिश में दिल्ली में जलभराव देखने को मिलता है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं आप देख सकते हैं शांति पथ की, जहां पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही है, सड़कों में पानी भरा हुआ है, जिसके चलते लोग परेशानी की वजह से ऑफिस पहुंचने में, अपने काम के दफ्तर पहुंचने में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और आपको बता दें वहीं जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन की तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। तो वहीं देशभर में मॉनसून का असर देखने को मिल रहा है, और कई जगहों पर भारी बारिश के चलते जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है, तो कहीं बाढ़ जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। आफत बनकर बरसे मेघा, देश भर के कई क्षेत्रों में मॉनसून पीक पर है। पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के साथ साथ कई प्राकृतिक आपदाओं का खतरा काफी बढ़ जाता है। मिट्टी कटान के चलते लैंडस्लाइड, तो कहीं से चट्टान गिरने की खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं। मैदानी इलाकों में बरसात और उमस भरी गर्मी के मिले जुले मौसम से लोग काफी परेशान हैं, क्योंकि बारिश गर्मी से राहत तो दे देती है, लेकिन जलभराव की वजह से जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाता है, और बारिश ना हो तो उमस भरी गर्मी जीना मुहाल कर देती है। आफत बन रही बारिश, जलमग्न हो रहा लोगों का जीवन, कई जगह बने बाढ़ के हालात, नदियों का उफान बढ़ा रहा टेंशन। दिल्ली और हरियाणा में हर पल मौसम बदल रहा है, अचानक बरसात तो कहीं अचानक तेज गर्मी देखने को मिल रही है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से दोनों राज्यों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया, कभी बादल तो कभी सूरज दिखा रहा तेवर। हरियाणा के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई, और बारिश के आसार भी लगातार बने हुए हैं। बात गुजरात की करें तो हाल ही में सबसे ज्यादा बरसात से तबाही गुजरात में देखने को मिल रही है। पिछले करीब 3 से 4 दिनों से लगातार बारिश का दौर चल रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि बारिश संबंधी आपदाओं में अब तक 8 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कई निचले जिलों से करीब 800 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करना पड़ा है। वही एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें भी मौके पर तैनात की गई हैं। अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं आने वाले कुछ दिन देश भर कई राज्यों में मौसम कैसे रहने वाला है। भारत में मौसम भारी बारिश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल। बहुत भारी बारिश गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, ओडिशा। मध्य प्रदेश, भारत के पश्चिम से उत्तरी क्षेत्रों तक बारिश आफत बनकर बरस रही है। मध्य प्रदेश के मुरैना की बात करें तो लगातार हो रही बरसात से क्वारी नदी उफान पर है। हालात ऐसे हैं कि नदी पर बना रपटा भी पानी में समा चुका है, जिससे लोगों का आवागमन ठप हो चुका है, और मुरैना का संपर्क कई गांवों से पूरी तरह से टूट चुका है। उत्तराखंड, ये तस्वीर उत्तराखंड की है, जहां मैदान से लेकर पहाड़ों तक प्रदेश जलभराव की स्थिति में है।
बरसात के चलते केदारनाथ नेशनल हाईवे पर भारी भूस्खलन हुआ। ऐसे में पागल नाला और गुलाब गोटी को बंद कर दिया गया। आमतौर पर लगातार बरसात होने से पहाड़ों पर भूस्खलन की समस्या लगातार बनी रहती है। बता दें कि प्रदेश की कई खतरे वाली सड़कों और संपर्क मार्गों को बंद कर दिया गया। महाराष्ट्र, ये तस्वीर महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की है, जहां पिछले कुछ दिनों से भारी बरसात हो रही है। नदियों का स्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। इसके अलावा पाली खोपोली राज्य राजमार्ग पर भी बाढ़ का पानी आ चुका है, जिससे गाड़ियों के आवागमन में दिक्कत हो रही है और कई बार घंटों लंबा जाम भी लग जाता है। उत्तर प्रदेश में मॉनसून 15 दिन बाद बरसे बादल। 49 जिलों में 9.5 मिलीमीटर से ज्यादा बरसात। सामान्य से 46% से ज्यादा बरसात। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 15 दिनों की भीषण गर्मी के बाद लोगों को राहत की सांस मिल पाई है। बता दें कि प्रदेश के 49 जिलों में 9.5 मिलीमीटर से ज्यादा बरसात हुई, जो कि सामान्य से 46% ज्यादा है। मुरादाबाद जिले में 138 mm बरसात हुई, वही ललितपुर में 110 mm बरसात दर्ज की गई। आलम यह है कि अब सड़कों पर कमर तक पानी भर चुका है। आपको बता दें कि हर साल के मुकाबले इस साल अब तक करीब 1% से ज्यादा बरसात दर्ज की गई, लेकिन मॉनसून का समय अभी भी गया नहीं है। अगर इसी तरह लगातार बरसात होती रही तो स्थिति बिगड़ भी सकती है।